सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और मेरे तरफ से मस्त रहना। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ फिर से हमारे इंडोनेशिया सर्वर पर। और आप लोग जानते हो इंडोनेशिया सर्वर बहुत कुछ इवेंट और बहुत कुछ जो चीज़ें होती है बहुत जल्दी अपडेट हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी न्यू इवेंट आते रहते हैं। सो गाइस, आज भी आ चुका है कुछ रिवार्ड्स और इवेंट, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं हॉबी 40 के रिगार्डिंग कुछ लीक्स भी बताऊँगा। तो एंड तक बने रहना वीडियो को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो गाइस, आपको एक चीज़ की ज़रूरत है कि वो है आपका इंडोनेशिया सर्वर का आइडिया। हर किसी के पास इंडोनेशिया सर्वर का आइडिया हो सकती है, यदि आपके पास नहीं है आप बना लो फटाक से, यूट्यूब पे जाओ और जान लो कैसे बनाना जाता है। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, जाके देखो और कैसे बनाया मैंने, आप लोग भी देख के बना लो। और बना ले के बाद आप सीधे आ जाओ यहाँ पर प्रोजेक्ट किंगसन इवेंट पे, और यहाँ पर देखो कुछ इवेंट के मैंने प्ले किए थे, इसके बदले मुझे एक क्रेट मिल रहा है। और देखो मैंने क्रेट को क्लेम किया और यहाँ से कुछ बंडल भी मिल सकते हैं। भाई चूना लगा दिया मुझको, एक 3 दिन के लिए लड़की के शू दे दिया, और 5 गेम खेलने पर मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, क्रिमसन इवेंट का फर्स्ट टोकन मिल रहा है। और किसने ए वाला स्केटबोर्ड को क्लेम किया है वो फटाक से जाओ कमेंट बॉक्स में, एक अच्छा सा प्यारा से कमेंट करो, मैं कमेंट को पिक करूँगा। और यहाँ पर देखो ए वाला लॉगिंग इवेंट जो होता है ना, ओपन 18 मैच से लेके चालू हो चुका है 18 मैच से, और मुझे 3 इनक्यूबेटर भाउचर मिल गया, वो 25 तारीख तक चलेगा यानी कि कल तक। और यहाँ पर देखो मुझे 1 गेम खेलने पर ऐसे वगैरह वगैरह बहुत कुछ रिवार्ड्स यहाँ पर है। फ्रेंड के साथ आपको गेम खेलना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा, तो आपको ए वाला रिवार्ड बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और हम लोग लास्ट वाले यहाँ पर आते हैं, तो आपको एक बार भुइयां करना पड़ेगा, और भुइयां करने पर आपको ए वाला पिन फ्री में मिलेगा। बहुत कुछ है, आप स्क्रीन पर देखते रहे हो। और यहाँ पर देखो 4 भुइयां करने से 5 डायमंड वाले वाउचर मिलेंगे, और इसका एक्सपायरी डेट भी है, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पर देखो मैंने फाइनली एक क्रेट क्लेम किया था, और क्रेट को क्लेम करने पर 10 कोर जैसे हुआ था मुझे क्रेट मिला था, इसमें से ए वाला हेट मिला था, मतलब हेयर लड़की का जो हेयर होता है वो मुझे मिला था। आप लोग देख सकते हो क्लेम लिखा हुआ है, और जैसे जैसे आप कंप्लीट करते रहोगे आपको रिवार्ड मिलते जाएंगे। और यहाँ पर देखो ये वाला इवेंट फाइनली मैंने कम्प्लीट कर लिया, और मैंने यहाँ पर मैं अभी क्लेम कर रहा हूँ। और देखो भाई 5000 डैमेज मैंने दिया था, और यहाँ पर देखो 2 मुझे डायमंड रॉयल भाउचर भी मिल चुका है। तो गाइस ये बढ़िया बात है, इसका एक्सपायरी डेट भी देख सकते हो 31 मई तक है। और यहाँ पर देखो 12000 मैंने डैमेज भी दे चुका है, और यहाँ पर देखो ये वाला बैकपैक का स्किन बिल्कुल फ्री में मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, आप प्ले करो आपको भी मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पर देखो लॉगिंग इवेंट में मुझे कुछ कस्टम रूम कार्ड मिले 8 घंटे के लिए। सो गाइस फ्री में मिल रहा है तो फटाक से जाओ क्लेम करो, और मैं भी क्लेम कर चुका हूँ। और यहाँ पर देखो और एक नया इवेंट आया है जहाँ पर हमको ट्रैवल करने पर कुछ रिवार्ड्स मिल रहे हैं। 18 मीटर ट्रैवल करोगे तो आपको लूट बॉक्स मिलेगा, और 7000 मीटर ट्रैवल करोगे वाला क्रिकेट का कुछ सामान मिलेगा आपको, मतलब हेट हो गया, कुर्ता हो गया, पैजामा हो गया। और यहाँ पर तो 2000 मीटर ट्रैवल करने से आपको एक वेपन रॉयल भाउचर मिलेगा। और फिलहाल तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर देखो हम लोग जाएंगे अब लक रॉयल पे। सो गाइस, मैंने बहुत दिनों से यहाँ पर लक रॉयल चेक नहीं किया। सो गाइस, यहाँ पर वही इवेंट चल रहा है जिस मैंने बोला था M1040 किसने कितने निकाला फटाक से कमेंट करो। और मैंने तो अभी तक किसी भी आईडी पे नहीं निकाला है, मैं जानता हूँ बहुत सारे डायमंड वेस्ट होंगे। सो गाइस यहाँ पर देखो, और यहाँ पर देखो फीस्ट का स्किन चल रहा है, 1 स्पिन 19 डायमंड एंड 5 स्पिन 79 डायमंड का है। और कुछ चीज़ यहाँ पर बहुत सस्ते पे भी मिल जाता है, यहाँ पर MP5 का स्किन है जिसका रिलोड भी सिंगल माइनस रहेगा, मैगजीन सिंगल प्लस रहेगा, एंड एनमर फिर इसको कहा है एयरमोर पेनेट्रेशन डबल प्लस रहेगा। और मैं इसके साथ पहने का देखता हूँ, मतलब ओरियन कैरेक्टर के साथ, तो कितना ज़्यादा ओपी लगता है। और यहाँ पर देखो M60 का भी स्किन है जो कि हमारा इंडिया एंड बांग्लादेश सर्वर पर टॉप अप इवेंट के आ रखा था, तो यहाँ पर इसका रेंज वगैरह आप देख सकते हो, आप लोग को मालूम होगा। सो गाइस, ये था हमारा फेडेड व्हील का पूरा रिव्यू। सो गाइस, ये फेडेड व्हील इंडोनेशिया सर्वर पर ही अवेलेबल है, और यहाँ पर बहुत कुछ है देख सकते हो, सब परमानेंट मिल रहा है। इसका रेट ऑफ फायर चेक किया आपने, डबल फ्लास है यार, कितना डैमेज पड़ेगा आप लोग कील करोगे तो किसी के एनिमी के ऊपर, मतलब
फायर करोगे तो यहाँ का सो गाइस यहाँ पर देखो मैं आ चुका हूँ इनक्यूबेटर पर और मेरे पास 3 भाउचर थे। आप लोग को मालूम होगा मुझे फर्स्ट पे 1 डायमंड रॉयल भाउचर मिल गया और दूसरा स्पिन क्या क्या मिलता है देख। अरे भाई एक स्पिन एक कदम के लिए मुझे ब्लू प्रिंट मिल जाता। और यहाँ पर देखो लास्ट स्पिन मैंने कर दिया और क्या मिलता है मुझे, ओ भाई एक कदम के लिए मुझे इवोल्यूशन स्टोन भी मुझे चला गया यार, कुछ बात नहीं। सो यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर एक्सचेंज पे क्लिक करता हूँ तो गाइस देखो यहाँ पर स्कार का कुछ इवोगन जैसा ही चल रहा है। सो यहाँ पर इसका डैमेज वगैरह बहुत कुछ है, आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, किसी का डैमेज सिंगल प्लस है, किसी का डैमेज डबल प्लस है, किसी का रेट ऑफ फायर ज़्यादा है, किसी का कुछ भी नहीं है, जैसे देखिए रेंज सिंगल माइनस एक्यूरेसी डबल प्लस है। तो यहाँ पर देखो MP40 है ये वाला रॉयल फ्लैश वाला, और ये हमारा पोकर MP40 है, और यहाँ पर देखो ये वाला ब्लू है, और ये वाला मुझे मेरा डाउनलोड नहीं है ग्रीन वाला, और यहाँ पर रेड वाला भी मुझे डाउनलोड है, आप लोग देख लो। और सबसे सस्ते में वही मिलता है। और यहाँ पर देखो गोल्डन सेट बंडल भी चल रहा है, नेवी सेट बंडल भी चल रहा है, इसका मेल वर्जन भी है फीमेल वर्जन भी है, एंड फैंटम सामुराई बंडल भी चल रहा है, इसका मेल वर्जन भी एंड फीमेल वर्जन भी अवेलेबल कर दिया गया है। एक स्पिन 50 डायमंड का है, आप लोग जाओ। और यहाँ पर देखो हम लोग आ चुके हैं फाइनली डायमंड रॉयल भाउचर पर, और सॉरी डायमंड रॉयल पर मैंने एक स्पिन किया और फाइनली गाइस कंग्रेचुलेशन मुझे एक चश्मा जो होता है ना वो चश्मा मिल चुका है, वो जो मेल वाला का। सो अभी भी मेरे पास 2 भाउचर अवेलेबल हैं, तो फटाक से मैं स्पिन मारता हूँ। सो गाइस मुझे एक क्रेट मिला यार, क्या बर्बाद हो गया, इसमें से क्या निकलता है, कुछ नहीं निकला। फास्ट पे जो मुझे मिल गया, सो मैं 7 स्पिन कर रहा था मुझे कुछ मिल गया। सो यहाँ पर गोल्ड रॉयल चल रहा है, सो गाइस गोल्ड रॉयल का कोई लिक्स निकल कर नहीं आया है, जब आएगा मैं बता दूंगा, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस अब आता है वो वक्त, सो गाइस मैं आपको अब बताऊँगा कि OB40 रिगार्डिंग कुछ अपडेट आए हैं, जैसे कि हम लोग को रैंक टोकन को एक्सचेंज करने पर बहुत दिनों से मतलब चेंज नहीं हुआ, तो अब चेंज होने वाला है। हो सकता है आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना ये वाला ग्लोबल का स्क्रीन, हम लोग को हीरोइक पे जाने पे किसी भी मोड पे हीरोइक पे जाने के मतलब BR बोलो CS बोलो हीरोइक पे जाने पे ये वाला ग्लोबल का स्क्रीन फ्री में मिल जाए या फिर डायमंड इवेंट में मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर हीरोइक का लोगो बना है, तो हो सकता है कि ये वाला हमको ग्लोबल फ्री में मिल जाए। सो गाइस आप लोग स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो आपको मैक्स 7 का स्क्रीन देखने को मिल रहा है, ये वाला आपको स्क्रीन OB40 अपडेट के बाद 100% देखने को मिल जाएगा। सो ये बहुत ज़्यादा OP है, सो गाइस देख ही सकते हो। और एक हमारे पास OB40 के रिगार्डिंग लीक्स है, वो है OB40 अपडेट के बाद आने वाले सारे इवो गन एंड जो भी गन बोलो नॉर्मल से लेके इवो गन तक। और आप लोग यहाँ स्क्रीन पे ध्यान से देखो, ये जो आपको OB40 और OF1 स्क्रीन देखने को मिल रहा है, ये सब स्क्रीन आपको OB40 अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा, 100% नहीं 200% कन्फर्म। और फीस्ट की स्क्रीन भी यहाँ पर अवेलेबल कर दिया गया है, आप लोग OB40 अपडेट के बाद ये सब अवेलेबल कर दिया जाएगा। तो गाइस आज का वीडियो आपका अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा।